पर क्या आपने कभी अपने पेडियाट्रिशियन से पूछा है? उसकी वजह से उसको एलर्जी हो सकती है और साथ साथ में उसका हल्का अपने हाथ पे रब करके एंड देन साइड साइड में बगलों पे, गर्दन पे और ग्राइन एरिया पे लगा दे, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बच्चा जो है न्यू बॉर्न है, बहुत छोटा है, उसकी स्किन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और मैं लेकर आई हूं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का जवाब देने जा रही हूं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और साथ साथ में स्पेशली फॉर द न्यूली मॉम्स, जो नई नई मदर्स बनती हैं उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से बेबी केयर की जाती है स्पेशली समर्स में। और ये क्वेश्चन है कि क्या हम टैल्कम पाउडर, यानी कि जो पाउडर हम अपनी बॉडी पर लगाते हैं, वो क्या हम बेबी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं? सो आइए चलिए जानते हैं कि हम क्या टैल्कम पाउडर वाकई में अच्छा है, सेफ़ है बच्चों के ऊपर, बच्चों की स्किन के ऊपर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे दादी दादा या फिर ऑल ओल्ड एज पीपल हैं, वो बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं होता, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे के पाउडर वगैरह लगा दो, सारी एरिया पर लगा दो, ग्रॉइंस एरिया में, अंडर आर्म्स में, गर्दन के आसपास में या जहाँ पे फोल्ड्स वगैरह हो रहे हैं, तो अपने आप पाउडर जो है वो सोख लेगा। पर क्या आपने कभी अपने पीडियाट्रिशियन से पूछा है कि टैल्कम पाउडर क्या हम बच्चे को लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? मैंने डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए टैल्कम पाउडर के रिगार्डिंग पूछा था कि सर मैं अपने बेबी को टैल्कम पाउडर लगा सकती हूँ नहीं, एंड हिज आंसर वॉज कम्प्लीटली नो। इट वॉज अ बिग नो कि टैल्कम पाउडर नहीं लगाना है। देन उससे ना करने से पहले उन्होंने मेरे को कुछ रीजंस बताए कि तुम्हें टैल्कम पाउडर क्यों लगाना है। देन आई टोल्ड हिम सर्टेन रीजंस। सो उसमें से पहले एक रीज़न ये था कि सर बेबी है सो पाउडर वगैरह लगाएंगे देन ही विल बी मोर ग्लोई और ज़्यादा, और मतलब जो बेबी बहुत क्यूट लगेगा। सो ही सेड योर बेबी इज़ ऑलरेडी वेरी क्यूट, उसको और ज़्यादा क्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है कॉस्मेटिकली चीज़ें अप्लाई करने के बाद में। बच्चा जो है ही इज़ बॉर्न क्यूट, ही इज़ वेरी क्यूट, उसको है ना आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अपने आप को ब्यूटिफाई करने की। सो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है टैल्कम पाउडर लगाने का। सेकेंड थिंग इज़ जैसे मेरा बेबी जुलाई बॉर्न है, तो उस समय बड़ा मिक्स सा वेदर होता है, गर्मी भी होती है साथ साथ में मॉइस्चर होता है। सो आई टोल्ड हिम कि सर गर्मियाँ हैं तो और मॉइस्चर भी है साथ साथ में, तो मॉइस्चर भी सोख लेगा, पसीना वगैरह है उसको ज़्यादा आएगा नहीं, सो इट्स बेटर कि मैं टैल्कम पाउडर उसमें लगा दूँ, उसको एरियाज़ पे जैसे नेक के आसपास में, अंडर आर्म्स में, ग्रॉइन एरियाज़ में, या फिर जहाँ जहाँ पर हाथ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं हाथ में, उधर उधर की तरफ लगा दूँ तो उसको पसीना नहीं आएगा। सो हिज आंसर वॉज कि उन जगहों पर भी टैल्कम पाउडर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन जगहों पर लगाओगे तो वो उसको एक नेगेटिव इफेक्ट करेगा, एक साइड इफेक्ट करेगा, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो एलर्जिक भी हो सकती है, साथ साथ में जो उसकी इतनी सॉफ्ट स्किन है वो उसमें रैशेज होने के, टैल्कम पाउडर लगाने के बाद में रैशेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में इरिटेशन भी हो सकती है। अगर आपने गर्दन में लगाया, अब इतना छोटा बच्चा है गर्दन वगैरह इस तरीके से मूव तो कर नहीं सकता, सो अगर आपने लगाया अगर उसकी गर्दन एक तरफ रह गई तो वो स्वेट आएगा उसको और टैल्कम पाउडर उस स्वेट में साथ साथ में चिपक जाएगा और स्किन की जो लेयर है उसके साथ में चिपक जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा उसको रैशेज और ज़्यादा हो जाएंगे। तो टैल्कम पाउडर कुछ अच्छा करने की बजाय उसको डेफिनेटली नुकसान करेगा। तीसरी चीज़ है कि अगर गर्मियाँ हो रही हैं और पसीने को बिल्कुल सुखाना है तो क्या मैं पीठ पर लगा दूँ उसको जिससे कि उसको पसीना फ्रीक्वेंटली नहीं आए? सो देन ऑल्सो हिज आंसर वॉज कम्प्लीटली नो। अगर आपको पसीना सुखाना है बच्चे का, उसको स्वेटिंग से बचाना है, सो इट्स बेटर कि आप उसके जो स्वेट है क्लीन कॉटन का क्लॉथ लें और उसके उसको जहाँ पर पसीना आ रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसको बहुत हल्के हाथ से उसका एरिया को वो क्लीन कर दें, और ढीले कपड़े पहनाएं, लूज़ कपड़े पहनाएं, बिल्कुल कॉटन बेबी क्लॉथ की तरह एकदम सॉफ्ट जो कपड़े होते हैं वो ढीले ढाले कपड़े पहनाएं और उसको थोड़ा वेंटिलेटेड जगह पर रखें। पाउडर लगाने की बिल्कुल भी अगेन ज़रूरत नहीं है। रैशेज होने का जो कारण है आप उसको हटाइए, यानी कि डायपर को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए। नैपीज पहना रहे हैं तो ऑब्वियसली लंगोट बार बार गीला होगा, तो उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहिएगा डायपर्स को, जिससे कि उसका जो एरिया है वो सूखे, और आपको पाउडर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अननेसरी हेल्पफुल भी नहीं है, अननेसरी यूटिलिटी, एक बेकार की जो चीज़ है जो आप बच्चे को लगाएंगे। इतने छोटे बच्चे को बिल्कुल पाउडर नहीं लगाया जाता है क्योंकि उसका रीज़न है पाउडर में बहुत छोटे छोटे माइक्रो
पार्टिकल्स होते हैं जो बच्चा इनहेल कर सकता है। अब जब वो इनहेल करेगा तो उसके लंग्स में जाएंगे, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, उसकी वजह से उसको एलर्जी हो सकती है और साथ साथ में उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों का बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में बहुत वीक होता है, सारा बॉडी का सिस्टम जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है, उस समय बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी इश्यूज कैच कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और बच्चों को जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो इसीलिए मना करते हैं कि आप जो पाउडर है, टेलकम पाउडर है, वो बच्चे को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। साथ साथ में हमेशा मना किया गया है कि फ्रेग्रेंस के लिए, कि हमने पूछा कि भाई सर थोड़ा सा हल्का फुल्का लगा दें, हल्का अपने हाथ पे रब करके एंड देन साइड साइड में बगलों पे, गर्दन पे और ग्राइन एरिया पे लगा दें, जिससे कि बच्चे के ऊपर से अच्छी खुशबू आएगी। देनी से कि बच्चों के ऊपर हमेशा अच्छी खुशबू ही आती है, कोई स्मेली स्टिंकी स्मेल नहीं उनकी बॉडी रिलीज करती है उस समय। सो स्मेल को अवॉइड करने के लिए आप बिल्कुल भी टेलकम पाउडर मत यूज़ करिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे के ऊपर हमेशा आप कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह देखेंगे, जो बेबी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें लिखा होता है साफ साफ लेस फ्रेग्रेंस या बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस वाली अगर आप चीज़ें लगाते हैं या जिसमें भी फ्रेग्रेंस होती है, वो सारी चीज़ें हम बच्चों से दूर रखते हैं, क्योंकि अगेन उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन होती है, उनको ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होगी, क्लॉगिंग हो जाएगी नाक में, उनकी बॉडी इरिटेट करना शुरू कर देगी या फिर वो एलर्जिक हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़, परफ्यूम्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैल्कम पाउडर, टेलकम पाउडर के लिए तो कम्प्लीटली नो है, स्पेशली फॉर 0 to 2 years के बेबीज़ के लिए कम्प्लीटली मना है कि उसको कोई यूज़ नहीं करेगा। और फ्रेगमेंटेड चीज़ जितनी भी होगी जिसमें तेज़ खुशबू आएगी, वो सारी चीज़ें भी बच्चों से दूर रखनी है, जिससे कि उनको कोई एलर्जी कॉज नहीं हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका ठीक बना रहे, कोई उनको इन्फेक्शन ना हो, अननेसेसरी आप स्वेटिंग बच्चे को आ रही हो और फिर आप ऊपर से उसको पाउडर उसकी बॉडी पर छिड़क दें तो वो उसकी स्किन को इरिटेट कर सकती है और साथ साथ में उसको रैशेस कॉज कर सकती है, तो वो रैशेस को अवॉइड नहीं करेगी, वो उल्टा रैशेस को कॉज करेगी। सो इन टोटल इस चीज़ का सम अप ये था कि आपको पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नो मैटर व्हाट, किस तरीके का ब्रांड हो, बहुत ही सुपर, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड ही क्यों ना हो, पर आपको 0 to 2 years तक के बच्चों को बिल्कुल भी पाउडर यूज़ नहीं करना है, उसको अवॉइड करिए कम्प्लीटली। एंड बाकी अगर आपको गर्मी से बचाना है, लूज़ कपड़े पहनाइए, वेंटिलेटेड जगह पर बच्चे को लिटाइए, खुली जगह पर लिटाइए जहाँ पर एयर हो, एयर ही हो रूम, और हल्का पंखा या हल्का एसी ऑन करके रखिए, साथ साथ में लूज़ कॉटन के कपड़े पहनाइए। अगर रैशेस की प्रॉब्लम है तो रैशेस के लिए आप बार बार डायपर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करिए, डायपर को गीला जैसे ही होता है तो तुरंत उसको चेंज करिएगा एंड देन फिर उसके बाद में आप जो है उसको फ्रेश डायपर, जब उसका नीचे का जो एरिया है, बच्चे का जो एरिया है, जेनिटल एरियाज कम्प्लीटली सूख जाए, फिर उसके बाद में आप उसको डायपर दोबारा से पहना सकते हैं। सो पाउडर इज़ अ बिग नो, बिकॉज उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स, कॉस्मेटिक्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बच्चा जो है न्यू बॉर्न है, बहुत छोटा है, उसकी स्किन अभी बिल्कुल नई नई है और नया नया बच्चा आया है इस दुनिया में, तो उसको उसकी अभी जो स्किन है, उसकी बॉडी, वो बहुत सारी चीज़ों से अडेप्ट कर रही है, तो हमें उस बच्चे को हेल्प करनी है अडेप्टेशन में, ना कि उसके लिए हर्डल्स वो करनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा इन सब कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उसके लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, एलर्जिक हो सकता है और साथ साथ में रैशेस और स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन सेंसिटिव हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि उसको इनहेल करने में, ब्रीथ करने में दिक्कत हो, क्लॉगिंग हो ज़्यादा और इरिटेशन हो उसकी बॉडी में। सो ये सारी चीज़ें हमें डेफिनेटली अवॉइड करनी है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट्स प्लीज़ शेयर करें, जिससे मैं आपको फटाफट से आपके जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।